इस साल अयोध्या में छठवां दीपोत्सव है। अयोध्या की दिवाली देश के बाकी हिस्सों से अलग होती है। दिवाली के दौरान यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ जगमगाते दीयों की खूबसूरती और राम नाम की गूंज मन को शांति देती है। अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। ये शहर भारत के सबसे पवित्र शहरों में शामिल है। अयोध्या में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम घर वापस आए थे। इस खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली के दौरान न केवल देश बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ के सुंदर नजारों का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। अयोध्या में हर साल दिवाली के दौरान दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। लाखों की संख्या में दिए जलाए जाते हैं। यहाँ दिवाली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सरयू नदी के आसपास समारोह होते हैं। नदी के किनारे लाखों की संख्या में दिए जलाए जाते हैं। जगमगाते दीयों का नजारा आपके मन को मोह लेगा। मंदिरों और घाटों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता है। इस बार भी यहाँ दिवाली का ये त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अयोध्या सजी है और यहाँ का नजारा बेहद अद्भुत है। सबसे खास यह है कि इस दिवाली देश के प्रधानमंत्री खुद अयोध्या में मौजूद होंगे। भगवान श्री राम की पावन स्थली पर होने वाले नाट्य संगीत कार्यक्रमों के इस बार भी विदेशी कलाकारों का अभिनय अपना जलवा बिखेरने वाला है। भारत के दोस्त रशिया से दिशा संस्था के तत्वाधान में डॉक्टर रामेश्वर सिंह और उनकी पत्नी नाद्या सिंह के निर्देशन में इस बार भी रूसी कलाकार रामायण का मंचन कर्म अयोध्या पहुंचे हैं। इन कलाकारों से हमारे संवाददाता मयंक शुक्ला ने खास बातचीत की और जाना कि इस बार रूस के ये कलाकार क्या खास करने वाले हैं। नमस्कार, 944 में आपका स्वागत है। मैं हूँ अयोध्या से मयंक शुक्ला और हमारे साथ हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, जो कि रशिया से टीम लाए हैं रामलीला की। जी जी, रामलीला मंच कब से आप ये कर रहे हैं? रामलीला मंचन जो है हम लोग तो कर रहे हैं 2018 से। जी, जब हमने शुरू किया तभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या संस्थान ने हमको मंचन के लिए 2018 दीपोत्सव बुलाया था। जी, जी। बल्कि हमारा जो राम मंचन रामलीला मंडली है उसको अवार्ड भी दिया, दीपोत्सव अवार्ड, जो कि बहुत अच्छा प्रेस्टीजियस है। इसके बाद योगी जी ने, यूपी सरकार ने, अयोध्या संस्थान ने हमको बुलाया 2019 में, प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था। इसके बाद उन्हें महाकुंभ में प्रयागराज में, और ये बच्चे उसमें से एक एक केवल राम जो हैं वहाँ पर आए हुए हैं, बाकी सब नए एक्टर हैं। जी, तो पहली बार ये राम बने हैं? पहली बार राम। अच्छा, और ये भी सारे पहली बार? पहली बार जी। अच्छा, रशिया से राम जी का क्या ताल्लुकात है? रशिया तक कैसे पहुँचे राम जी? देखिए, अगर उसे बताएं हम, रशिया में जो है 1960 में जिनके नाम से हम ये रामलीला को का नाम दिया है, गेनादी पद्मश्री गेनादी पीच निकम दिशा रामलीला मॉस्को रशिया, तो वो जो है वो रूसी राम कहे जाते थे। जी, 1960 में उन्होंने रामलीला चालू की सोवियत संघ में, उसमें सोवियत संघ था, वो बहुत मुश्किल काम था, हमारे लिए तो उतना मुश्किल नहीं जितना उनके लिए था, और वो करीब 20 साल से 30 साल तक रामलीला करते रहे मंचन थे। उनका रामलीला अगर आप जाना चाहेंगे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी जा करके उनका मंचन करवाती थी, वो देखती थी, और पद्मश्री उनको दिया गया। तो उनका उनका स्वर्गवास हो गया 2017 में, तो हमने उनके स्मृति में, मैं कहा क्या किया जाए, हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमके एक हम सुल्तानपुरी और जो राममय हम लोग बचपन से किए हैं, तो मैं कहा कि उनका कोशिश की जाए कि रामलीला करवाएं, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध थी सोवियत संघ में। तो आज भी जब हमने चालू किया नए ढंग से, लेकिन आप जानते हैं जो भी किया कि कोविड काल में सारी चीज़ बंद हो गई थी, तो हमको फिर से चालू करना पड़ा। तो ये सारे आर्टिस्ट जो हैं दिल से ये जो है अपने अपना अपना किरदार कर रहे हैं, उस किरदार के अंदर के उनकी उनकी भावनाएं हैं। तो ये ये कौशल्या का रोल कर रही हैं। हाँ, कौशल्या नाम सीता जी, रति रति मिलाना सीता गुलनारा
बुलना लक्ष्मण लक्ष्मण जी का रोल अर्चोम सुग्रीव 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 जनक अच्छा दो ये है दशरथ दिनेश दशरथ ये है हनुमान हनुमान जी ये है भगवान राम जी ये है रावण अच्छा महाबली जी ये है कैकेयी जी नरेश आपको आपको तो हिंदी आती है मैंने सुना है तो कैके के रोल कर रही है कैसा रोल है ये कैके का ये तो रामायण में सबसे खतरनाक रोल है सबसे खतरनाक है आप कैसा लग रहा है या लोग अपने बच्चों को नाम कैके नहीं रखते कोई नहीं चाहता है ये रोल करने के लिए नहीं लेकिन कोई ना कोई किसी को करना कैसा लग रहा है नहीं नहीं परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा लगा सबको अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री के सामने आपको ये रोल करना है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आप रोल करें तो कैसा आपको फील हो रहा है हो सकता आज सबसे पहले एक्सपीरियंस था तो हम सोच रहे थे कि कल हम ठीक से करवाएंगे जी तो अयोध्या नगरी कैसी है बहुत अच्छा लगा ये कैसा सबसे अच्छा लगा ये हनुमान की मंदिर है जी बहुत सुंदर है हनुमानगढ़ी हनुमानगढ़ी जी अच्छा राम जी से रशिया क्या ताल्लुका था कैसा आपको कैसा फील होता है राम जी रशिया से और रशिया से अयोध्या ऐसा है कि रूस के हिंदू थोड़ा सा कल्चरल एक जैसे है तो इसीलिए सब लोगों को बहुत पसंद है रामलीला और कृष्ण लीला भी सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज़ चैनल